हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के दूसरे टाइप यानी लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप इसका पार्ट वन रेफर कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं गुड्स के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये दो तरह के होते हैं, पहला डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्ट कंट्री में चाहिए होते हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट्स जिनकी नीड इंपोर्टिंग कंट्री में होती है। चलिए पढ़ते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, दीज डॉक्यूमेंट्स मे बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। दे आर फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन द इम्पोर्टिंग कंट्री। लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला डॉक्यूमेंट्स जिनकी नीड एक्सपोर्टिंग कंट्री में होती है और दूसरा वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी नीड इंपोर्टिंग कंट्री में होती है। पहले हम पढ़ेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो इंडिया से एक्सपोर्ट के टाइम में चाहिए होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। रेगुलेटरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर शिपमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जिनकी नीड रजिस्ट्रेशन के लिए होती है और दूसरा डॉक्यूमेंट्स जिनकी नीड शिपमेंट के लिए होती है। द फर्स्ट कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड एप्लीकेशंस एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग कोड नंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कोड नंबर फ्रॉम द चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। पहली कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं एप्लीकेशन और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे RBI से कोड नंबर ऑब्टेन करने के लिए, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चीफ कंट्रोलर से IEC नंबर ऑब्टेन करने के लिए और RCMC सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। द डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। GR फॉर्म, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन डुप्लीकेट फॉर ऑल एक्सपोर्ट्स अदर देन बाय पोस्ट। बोथ ऑफ द कॉपीज हैव टू बी सबमिटेड टू द कस्टम्स अथॉरिटीज एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। दे विल रिटेन द ओरिजिनल कॉपी टू बी सेंड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली। दे विल रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी विच इज सबमिटेड टू द नेगोशिएटिंग बैंक अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स। द नेगोशिएटिंग बैंक सेंड्स द डुप्लीकेट कॉपी टू द RBI आफ्टर द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैव बीन रियलाइज्ड। अब डॉक्यूमेंट्स जिनकी नीड शिपमेंट के लिए होती है यानी दूसरे टाइप के, दूसरी कैटेगरी के, पहला है GR फॉर्म। GR फॉर्म यानी गारंटीड रेमिटेंस फॉर्म्स जो RBI के थ्रू इशू किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए। GR फॉर्म की दो कॉपीज फिल की जाती है हर टाइप के एक्सपोर्ट में पोस्ट के अलावा। ये दोनों कॉपीज कस्टम अथॉरिटीज को सबमिट करनी होती है पोर्ट ऑफ शिपमेंट पर। वो उसकी ओरिजिनल कॉपी RBI को सेंड करने के लिए रख लेते हैं और डुप्लीकेट कॉपी को रिटर्न कर देंगे जो कि अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ नेगोशिएटिंग बैंक को सबमिट की जाएगी गुड्स की शिपमेंट के बाद। नेगोशिएटिंग बैंक ये डुप्लीकेट कॉपी RBI को सेंड कर देगा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज होने के बाद। नेक्स्ट PP फॉर्म। PP फॉर्म इज़ अ डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर मैंशनिंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्टिंग थ्रू पोस्ट ऑफिस। दीज डिटेल्स कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, शिपर डिटेल्स, कंसाइनी डिटेल्स एक्सेट्रा। PP फॉर्म यानी पार्सल पोस्ट फॉर्म। PP फॉर्म में एक्सपोर्टर के द्वारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स की डिटेल्स की डिक्लेरेशन की जाती है। इन डिटेल्स में गुड्स की डिस्क्रिप्शन, गुड्स की वैल्यू, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कंट्री की डेस्टिनेशन, शिपर की डिटेल्स और कंसाइनी की डिटेल्स होती है। नेक्स्ट VP या COD फॉर्म। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन वन कॉपी फॉर एक्सपोर्ट्स टू ऑल कंट्रीज बाय पोस्ट पार्सल अंडर अरेंजमेंट्स टू रियलाइज प्रोसीड्स थ्रू पोस्टल चैनल्स ऑन वैल्यू पेएबल और कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। इसमें भी एक्सपोर्ट पोस्टल चैनल के थ्रू ही किया जाता है, बट इसमें जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है वो वैल्यू पेएबल या कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर रियलाइज की जाती है। इसमें एक कॉपी फिल की जाती है एक्सपोर्ट के लिए पोस्ट पार्सल के थ्रू। यह कॉपी भेजी जाती है सभी कंट्री में ताकि वैल्यू पेएबल या कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू
एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज की जा सके। नेक्स्ट ईपी फॉर्म, शिपमेंट टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अदर देन बाय पोस्ट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन ईपी फॉर्म्स। जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शिपमेंट भेजी जाती है अदर देन पोस्टल चैनल के थ्रू तो इसकी डिक्लेरेशन ईपी फॉर्म के थ्रू होनी चाहिए। सॉफ्टटैक्स फॉर्म, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन नॉन फिजिकल फॉर्म। सॉफ्टटैक्स फॉर्म आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। सॉफ्टटैक्स फॉर्म ट्रिपल कॉपी में प्रिपेयर किया जाता है और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज शिपिंग बिल, द शिपिंग बिल इज़ द मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द कस्टम्स परमिशन फॉर एक्सपोर्ट इज गिवन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल अवेलेबल विद द कस्टम्स अथॉरिटीज। दीज आर, फर्स्ट इज फ्री शिपिंग बिल, इट इज़ यूज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर विच देयर इज नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। सेकेंड इज ड्यूटीएबल शिपिंग बिल, प्रिंटेड ऑन येल्लो पेपर, इट इज़ यूज इन केस ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। थर्ड ड्रॉबैक शिपिंग बिल, इट इज़ यूजली प्रिंटेड ऑन ग्रीन पेपर एंड इज़ यूज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंटाइटल्ड टू ड्यूटी ड्रॉबैक। शिपिंग बिल मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर कस्टम्स की परमिशन मिलती है एक्सपोर्ट के लिए। ये शिपिंग बिल तीन टाइप के होते हैं जो कस्टम्स अथॉरिटीज़ के पास अवेलेबल होते हैं। पहला फ्री शिपिंग बिल जो यूज़ होता है उन गुड्स की एक्सपोर्ट के लिए जिन पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होती। दूसरा ड्यूटीएबल शिपिंग बिल जो येलो पेपर पर प्रिंटेड होता है और उन गुड्स के एक्सपोर्ट में यूज़ होता है जिन पर एक्साइज ड्यूटी होती है। और तीसरा ड्रॉबैक शिपिंग बिल जो ग्रीन पेपर पर प्रिंटेड होता है और उन गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है जो गुड्स ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एंटाइटल होती है। नेक्स्ट मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, इट इज़ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट इन मराइन इंश्योरेंस। अ मराइन पॉलिसी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ लीगल डॉक्यूमेंट विच सर्व्स एज एविडेंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द एश्योर्ड। द पॉलिसी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू प्रेस अ क्लेम इन कोर्ट ऑफ लॉ। यह मराइन इंश्योरेंस का एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। मराइन पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इंश्योरर और एश्योर्ड के बीच एग्रीमेंट के एविडेंस के रूप में काम करता है। ये डॉक्यूमेंट क्लेम के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लीगल डॉक्यूमेंट्स इन इंपोर्टिंग कंट्रीज। लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द वेल नोन डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन द इंपोर्टिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ लीगल नेसेसिटी। दीज डॉक्यूमेंट्स आर हाउएवर ऑब्टेन बाय द एक्सपोर्टर टू बी सेंड टू द इंपोर्टर। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी नीड इंपोर्टिंग कंट्रीज में होती है ड्यू टू लीगल नेसेसिटी। ये डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर को भेजने के लिए ऑब्टेन किए जाते हैं। पहला कॉन्सुलर इनवॉइस, यूजुअली इशूड ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म, इट इज़ साइन एंड स्टैम्प बाय द लोकल कॉन्सुलेट ऑफ द कंट्री टू विच गुड्स आर एक्सपोर्टेड। यूजुअली ये स्पेसिफाइड फॉर्म पर इशू किया जाता है और ये उस कंट्री के लोकल कॉन्सुलेट के द्वारा साइन और स्टैम्प किया जाता है जिस कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट की गई हो। सेकेंड कस्टम्स इनवॉइस, इट इज ऑल्सो मेड आउट ऑन अ स्पेसिफाइड फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द कस्टम्स अथॉरिटी ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री। द डिटेल्स गिवन इन द डॉक्यूमेंट विल अनेबल द कस्टम्स अथॉरिटी ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री टू लिवाई एंड चार्ज इम्पोर्ट ड्यूटी। यह भी इम्पोर्टिंग कंट्री की कस्टम्स अथॉरिटी द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्म पर बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में दी गई डिटेल्स इम्पोर्टिंग कंट्री की कस्टम्स अथॉरिटी को अनेबल करती है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने और चार्ज करने में। नेक्स्ट इज लीगलाइज्ड इनवॉइसेस, दीज इनवॉइसेस कॉन्स्टिट्यूट अ स्वॉर्न एफिडेविट बाय द एक्सपोर्टर अबाउट द जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द सेल। दीज कुड बी स्वॉर्न बिफोर द एप्रोप्रिएट कॉन्सुलेट और द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज द केस मे बी विच विल पुट देयर स्टैम्प ऑन देम। ये सेल की करेक्टनेस और जेन्युइननेस के बारे में एक्सपोर्टर के थ्रू शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनाते हैं। ये एप्रोप्रिएट कॉन्सुलेट या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द केस जो इस पर अपनी स्टैम्प लगाएंगे। नेक्स्ट सर्टिफाइड इनवॉइस, दिस इज द सेल्फ सर्टिफाइड इनवॉइस बाय द एक्सपोर्टर अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुड्स।
ये एक्सपोर्टर के द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड इनवॉइस होगा गुड्स की ओरिजिन के लिए. नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म. ये सर्टिफिकेट इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं. GSP सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. गुड्स विच गेट द बेनिफिट ऑफ प्रिफरेंशियल इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रीटमेंट इन कंट्रीज विच इम्प्लीमेंट द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस शुड बी अकम्पेन्ड बाई द GSP सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. दिस सर्टिफिकेट इज गिवन ऑन द फॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाई द इम्पोर्टिंग कंट्रीज. वो गुड्स जिनको प्रिफरेंशियल इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलता है उन कंट्रीज में जिन्होंने जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इम्प्लीमेंट किया है उन्हें GSP सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलना चाहिए. यह सर्टिफिकेट इम्पोर्टिंग कंट्री द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्म पर दिया जाता है. नेक्स्ट, हेल्थ वेटरनरी सैनिटरी सर्टिफिकेट्स. दीज सर्टिफिकेट्स आर नीडिड इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज सर्टिफाइंग दैट दी गुड्स आर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. काफ़ी कंट्रीज में इस सर्टिफिकेट की नीड होती है जिस पर यह सर्टिफाई किया जाता है कि जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट हैं और सेफ हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ. और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.